भाई पेट तो पूरी तरह भर चुका था। इसके बाद हमने ट्राई की आइसक्रीम। आइसक्रीम में हमने ब्राउनी ले ली, चॉकलेट आइसक्रीम ले लिया और वेनिला आइसक्रीम ले लिया और तीनों को भैया को बोला मज़ेदार मिक्स करके एक नया फ्लेवर बना दो। भैया ने क्या किया, ये इनका फ्रीज वाला तवा रहता है उस पर टकाटक करके आइसक्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ये फ्रीज वाले तवे पे आइसक्रीम को अच्छे से फैला दी। फैलाने के बाद भैया ने क्या किया, इस पर चोको सिरप डाला, चॉकलेट सिरप होता है, उसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा फ्रीज होने का टाइम दिया। उसके इसको आराम से कट करके, देखिए चारों तरफ से इसको कट कर लिया, फिर अपनी कारीगरी दिखा के इसको स्लोली इन्होंने रोल किया। रोल ऐसे किया कि ये टूटे नहीं और आइसक्रीम के फ्लेवर में आ जाए। ये बढ़िया तरीके से बन गई थी। फिर इन्होंने हमें इस आइसक्रीम को सर्व कर दिया ऊपर से चोको सिरप डाल के। खाने में ये बिल्कुल नॉर्मल चॉकलेट आइसक्रीम से लग रही थी। इतना काम करने के बाद भी टेस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।